राजगुरु व गटेश्वरी ट्रैवल्स इसवाल के पास बसों से 7 बाल श्रमिक रेस्क्यू किए। गोंदा थाना क्षेत्र के इसवाल चौकी के पास नेशनल हाईवे पर बसों में जा रहे बाल श्रमिकों को आजीविका ब्यूरो की टीम ने पीछा कर पुलिस को सूचना दी। टीम ने बसों को रुकवाकर बच्चों को रेस्क्यू करवाया, लेकिन मौके से बसें निकल गईं। आजीविका ब्यूरो की सलोनी ने बताया कि गोंदा बस स्टैंड से बसों को बाल श्रमिक लाने की सूचना मिली, जिस पर टीम ने उपखंड अधिकारी व पुलिस को सूचना दी, लेकिन टीम बसों को लगातार पीछा करती रही। उसके बाद इसवाल चौकी की सहायता से बसों को रुकवाया गया, जिसमें छोटे बच्चे बैठे हुए थे जिनको बाल श्रमिक के लिए सूरत व राजकोट ले जाना पाया गया। 7 बच्चों को बसों में से रेस्क्यू कर काउंसलिंग की गई, लेकिन तब तक बसों के चालकों द्वारा आर्ग्यूमेंट कर बसों को लेकर वहाँ से चले गए। बच्चों को टीम ने गोंदा थाने में सुपुर्द किया। टीम के राजेंद्र शर्मा ने रिपोर्ट दी कि बच्चों को बाल मजदूरी के लिए सूरत राजकोट के लिए ले जा रहा था, जहाँ इनका किराया वहाँ के मालिकों व नियोक्ताओं से लेना तय था। उन्होंने रिपोर्ट में बस संचालकों, नियोक्ताओं व ठेकेदारों के खिलाफ मानव तस्करी, बाल तस्करी की धाराओं में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार बच्चों की हाइट व कदकाठी से बच्चे की उम्र काफ़ी छोटे लग रहे हैं, लेकिन बच्चों के आधार कार्ड में बच्चों की उम्र बढ़ा रखी है, लेकिन काउंसलिंग के बाद बच्चों के अन्य दस्तावेज से बच्चे बाल श्रमिक की कैटेगरी में पाए गए। जानकारी के अनुसार कुछ बच्चों को बिना किराए के बैठा कर ले जाया रहा था, जिनका किराया सूरत व राजकोट उनके मालिकों से लेना तय था। टीम ने बच्चों को गोंदा थाने ले जाकर सपोर्ट किया। थाने के ASI गोवर्धन लाल चौबीसा ने बताया कि आजीविका की टीम व पुलिस ने 7 बच्चों को राजगुरु ट्रैवल्स व गटेश्वरी ट्रैवल्स से रेस्क्यू करवाया है, जिन्हें गोगुंदा की ओगणा व रामादड़ा से सूरत व राजकोट बाल श्रमिक के लिए ले जाया जा रहा था। इसवाल में गटेश्वरी व राजगुरु बसों में से बाल श्रमिक को मुक्त करवाकर थाने में